इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम उन रीजंस को कहते हैं जिन रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन यानी एसेट की वैल्यू में कमी आती है, और वो ऐसे रीजन जो कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए हमने इसके लिए लिखा नॉट अंडर कंट्रोल। ऐसे रीजन जिससे एसेट की वैल्यू में कमी आती है लेकिन वो रीजन हमारी कंट्रोल में नहीं होते, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की वजह से वो कमी आती है, ऐसे रीजंस को एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसमें जो हम पहला रीज़न देख सकते हैं वो है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस हम किसे कहते हैं, जैसे हम एक मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ये है हमारी ओल्ड मशीनरी, तो ओल्ड मशीनरी को जब हम यूज़ कर रहे हैं और अब मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती रहती हैं, अब चेंजेस आई टेक्नोलॉजी में और उसकी वजह से न्यू मशीनरी मार्केट में आई है, तो अब क्या होगा, इसकी वजह से जो न्यू मशीनरी आई है वो प्रोडक्शन ज़्यादा देगी और कॉस्ट हो सकता है उसकी ओल्ड मशीनरी से, जो हमने उस वक्त ली थी ओल्ड मशीनरी, जिस कॉस्ट पर उससे कम हो या ज़्यादा भी कॉस्ट हो सकती है, लेकिन वो हमें अच्छी प्रोडक्शन दे रही है तो हम उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव पोजीशन पर रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो हमारा कंपटीटर कर रहा है, जिसके मुकाबले में हम काम कर रहे हैं उससे बेहतर हम काम करें, इसलिए हमें न्यू मशीनरी लेनी होगी ताकि हम बेहतर क्वालिटी दे सकें। अब इस केस में होता ये है कि जब हमारी ओल्ड मशीनरी है, लेट सपोज वो हमने ओल्ड मशीनरी ली थी रुपीज़ 8 लाख की, ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड मशीनरी की, और ओल्ड मशीनरी की जो लाइफ थी वो थी 5 ईयर्स, यानी हम उसे 5 ईयर्स इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ हम लिख लेते हैं लाइफ थी इसकी 5 ईयर्स, लेकिन अभी सिर्फ 1 ईयर गुजरा और हमें पता चला कि मार्केट में न्यू मशीनरी आ गई है, ये अभी हमने ख़रीदी है, अगर फ़र्ज़ करें 2015 में अपनी ओल्ड मशीनरी ख़रीदी थी तो हमने 2015 में ओल्ड मशीनरी ख़रीदी थी, और जो न्यू मशीनरी मार्केट में आई है वो 2016 में आ गई है। ये जो हमने ओल्ड मशीनरी 8 लाख की ख़रीदी थी और वो एक ही साल के बाद यानी 2016 में हमसे कोई भी लेना नहीं चाहेगा, इसलिए कि न्यू मशीनरी जो मार्केट में आ गई है अब सब उस पे काम करना चाहेंगे, तो हो सकता है ये जो 8 लाख की हमारी मशीनरी थी इस वक्त मार्केट में अगर हम लोग सेल करें तो वो सिर्फ स्क्रैप पर या 2 लाख की हो सकता है कोई ले ले, तो इस तरह से ये जो हमें लॉस होता है ये वैल्यू में एकदम से कमी आ जाती है ऑब्सोलेसेंस की वजह से, इस लॉस को भी हम लोग डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अपनी ओल्ड मशीनरी को इसी वक्त सेल कर देते हैं और सेल करने पर 2 लाख अगर हमें मिल जाता है और न्यू मशीनरी को ख़रीद लेते हैं तो ये जो 6 लाख है इसका हमें नुकसान हो गया है और इसको हम लोग अपनी डेप्रिसिएशन बोल देंगे। ऑब्सोलेसेंस के बाद हमारे पास है इफ्लेक्स ऑफ टाइम। इफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब है अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एसिड को अगर इस्तेमाल नहीं भी कर रहे फिर भी एसिड को ना इस्तेमाल करते हुए भी उसकी वैल्यू में अगर कमी आ जाए उसको हम इफ्लेक्स ऑफ टाइम कहते हैं। ये होता है असल में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ के साथ, जैसे हमने एक अगर बिल्डिंग ख़रीदी है, बिल्डिंग हमने लीज पर ली है, ये है हमारी ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज पे हम ये करते हैं जैसे 10 ईयर्स के लिए ये बिल्डिंग ख़रीद लेते हैं और 10 ईयर्स के बाद हम लोग बिल्डिंग को वापस कर देते हैं। अब अगर हम लोगों ने ये एग्रीमेंट किया है हर साल हम इस बिल्डिंग के लिए ₹2 लाख देंगे, अब अगर हम लोग ये एग्रीमेंट कर चुके हैं और अब अगर हम लोग इसको इस प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग को यूज़ करें या ना करें, पैसेज ऑफ टाइम यानी टाइम गुजर रहा है और हम लोगों ने 2 लाख रुपया देना है या 2 लाख से उसकी वैल्यू हर साल कम होती रहेगी। ये बिल्डिंग की असल वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 20 लाख थी यानी 2 मिलियन रुपीस, और इसकी लाइफ जो है वो है यहाँ पर लिख देते हैं 10 ईयर्स, 10 ईयर्स लाइफ है, तो अब अगर हम लोग इस मशीन को यूज़ करते हैं या नहीं करते डेप्रिसिएशन तो 2 लाख आती रहेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 मिलियन को अगर डिवाइड कर दें 10 पर तो हमारे पास ये आ जाता है 2 लाख,
तो ये 2 लाख डेप्रिसिएशन हर सूरत में आएगी। इसके बाद एक्सटर्नल कॉजेस में अगर हम लोग थर्ड कॉज देखें तो वो है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स वो है जो कि एबनॉर्मल रीजंस में आता है, यानी अगर आग लग गई है फैक्ट्री में, या जलजला आ गया है यानी अर्थक्वेक, या सैलाब आ गया है यानी फ्लड की वजह से हमारा एसिड जो है या उसका नुकसान हो गया है। तो ये जो एबनॉर्मल रीजंस हैं इसकी वजह से हमारे एसिड को जो लॉस हो जाता है उसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में लिख देते हैं और फिर न्यू एसिड को ख़रीद लेते हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्सोलेसेंस जो है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही हैं वो भी अंडर कंट्रोल नहीं है, टाइम गुजर रहा है और हम टाइम को रोक नहीं सकते, उसे गुजरने के साथ साथ डेप्रिसिएशन अगर होगी यूज़ करें या ना करें तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं और उसकी वजह से एबनॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तीनों जो हैं वो एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं।